अलैकुम एवरीवन, उम्मीद करें ना सारे ठीक ठाक होसो, खैर खरीयत नाल होसो। तो अज एक नवी वीडियो दे नाल थारी खिदमत दी मैं थी हाजिर। तो मैं अज सिटी कण आया वदा अपने गाँव। तो यकीन करो जिस टाइम बंदा अपने गाँव आंदे बहुत ही चासांद के देसी माहौल, खूबसूरत मनाजिर, सब कुछ नेचुरल नेचुरल। तो अगर बंदा घर आवे तो सर्दियों का सीजन होवे तो विलने शुरू पे होवे तो बंदा आके गुड़ न खावे तो सवाल ही पैदा नहीं थींदा। तो मैं सोचा क्यों ना अज विलने ते वञूं ते गुड़ भी खादा वने ते स्पेशल मैं गुड़ बढ़वावना भी हई हो, गुड़ भी मैं बढ़वैसा। तो इंशाल्लाह आज तक अपने इलाके का थोड़ा जहाँ नज़ारा ही दिखाना, बहुत ही खूबसूरत सारा इलाका है, बहुत एक नेचुरल, बहुत बागात, अच्छे किस्म के खूबसूरत एक व्यू आंदा है। ये मेरे प्यारे ते सोहने मिठे लागे कच्ची काड़गाड़ का खूबसूरत मंजर इस साइड से देख सकते वे। ये जरा है खजूर के बागात, इन गंदम उगाई पई है तो इन्हों के बीच घास वगैरह जरा है ना उगा पिया है। तो इस साइड से पहाड़ का जरा मंजर है ना, ये एक अपना ही दिलकश मुनफरिद दिखा जरा है ना नज़ारा देता है। तो खजूर सारे इलाके बहुत ज़्यादा जरा है ना है, क्योंकि इस खजूर का छुआरा बढ़ा के पाकिस्तान कण इंडिया एक्सपोर्ट की वैंती है। तो इस दे नाल नाल माशाल्लाह काफ़ी जरखेज इलाका है, इतने साकण हर किस्म की फसल उगाई वैंती है, ज़्यादातर गंदम तो गन्ना होता है, तो बाकी भी फसल इतना जरा है ना उगाई वैन हूँ। जुड़ते हैं वेलने ते बात मिलते हैं भाई, पहुँच चुके हैं वेलने ते ही गाने तो ये बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह भाई जिमें लासी तो यह ला लेना तैयार करें, तो पैंता मैं इसका प्रोसेस इंशाल्लाह दसैना तो तुसां सारे नाल जुड़े रहो। सारा गुड़ तो खादा उसी, लेकिन गुड़ बढ़ता शायद के कैं नदेठा भी हो। आज मैं दसा गन्ने का कितना मैं स्टॉक, तो इस गन्ने को इस पीटर से गिन के लाला रखेंदा भी है। अच्छा इतना इसका पहले पहले कड़ा वैसी गन्ने का रस जो सरैकी जबान रो आते हैं, इतना अच्छी तरह इसका रो निकले वैसी रस निकले वैसी। तो उसके बाद जरा ये अपना इसका जरा अगला स्टैप है, इसका फोगा जमा थी सी इस साइड के उत्ते। तुसां देख सकते वे कि फोगा इस फीटर मशीन निकल के इतना आके जमा थींदा भी है। हुण इस दे बाद जड़ा है कि इसकी जी राव होंगी है वह इस छोटा जहाँ का तालाब टाइप बड़ा होया इस आके ये जमा थी वैसी। इतना स्टोर करने के बाद इस राव को इस छोटे पाइप के जरिए, ये जड़ा पाइप है इस छोटे पाइप के जरिए इस टट्टर मुंतकिल किया वैंता है। तो इसको अच्छी तरह इतना इस रस को बॉयल किया वैंता है, तो इसकी मैल वगैरह भी इतना छानी वैंती है, इतना इसकी छानी वैंती है रव और इसकी मैल को अच्छी तरह जरा है ना अलग किया वैंता है, ताकि ये मुकम्मल तौर पर रव साफ सुथरी थी वजे तो इसका अच्छा गुड़ बढ़ाया बन सके। इंतजार की घड़ी हुई ख़त्म, तो हूँ सारा गुड़ जरा है मुकम्मल तौर पर रेडी है। सब तो पहले पहले इस असा थोड़ा जहाँ जीरा मिक्स करे सूँ, क्योंकि स्पेशल मैं अपना मेवे वाला गुड़ बनाना है, तो जीरा इस अपनी मकदार के मुताबिक बहुत ही जरूरी है। इसे जायके मारे जीरा ऐड करने के बाद असा मिक्स करे सूँ इतना अपना मेवा जात, जैसे मुख्तलिफ चीज़ा ऐड कर सकते वे अपनी पसंद के मुताबिक। तो जो चीज़ा मैं पसंद हैं मैं वो ऐड कर छोड़िया। मेवा ऐड करने के बाद इस मेवे को असा अच्छी तरह गुड़ के बीच मिक्स करे सूँ, ताकि एक मुकम्मल तौर पर इस दे बीच ए मिक्स की वजह अच्छी मकदार के मुताबिक। तो मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर मारे इतना छोड़ दे सूँ, ताकि ये थोड़ा खुश्क हो वे। तो इस दे बाद असा इस छोटे छोटे इसको टुकड़ा बड़ा सूँ जब सरैक जाते हैं रोड़ियाँ, जिस टाइम मुकम्मल तौर पर खुश्क हो वैसी इसको इस पात्री कण अलग किया वैसी। ये इसका बिल्कुल आखिरी
स्टेप पे इस गुड़ को छोटे छोटे हिस्सों के तकसीम किया जाता है ताकि ये खावण के काबिल हो सके। आज की उम्मीद करना एक छोटी जी वीडियो थोड़ा काफ़ी पसंद आई, उसी गुड़ भी बड़ा रज के खादा से। ते अगर वीडियो थोड़ा को अच्छी लगी है तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करसो, तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करसो। इंशाल्लाह नवी वीडियो नाल मिलसूँ, तब तक मैं पूरे सो इजाजत, अपने दुआ याद करसो, अल्लाह हाफिज़।